नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। अब देखिए दोस्तों, आज मैं आपको फरवरी का जो करंट अफेयर है इस साल का, उसको मैं समझा रहा हूँ। और इसमें जो बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन मेरे पास रखा है, तो आप इनको आराम से कॉपी में ज़रूर लिखना, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपना फर्स्ट प्रश्न क्या है कि अम्मा टू व्हीलर योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, अम्मा टू व्हीलर परियोजना। देखो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि महिलाओं को टू व्हीलर वाहन खरीदने के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, अम्मा टू व्हीलर योजना राज्य। तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों, तमिलनाडु। याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जहां पर महिलाओं को टू व्हीलर खरीदने पर स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा प्रश्न देखें, अम्मा टू व्हीलर योजना किस राज्य ने प्रारंभ की, तमिलनाडु ने। किस पद्मश्री सम्मानित अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री सम्मानित अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ, और ये सब लोगों को लगभग पता ही है। इनका नाम है श्रीदेवी और इनकी उम्र कितनी थी, 54 वर्ष, 54 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में किया था, और वर्तमान में इसमें 121 सदस्य है। कब हुआ था इसका निर्माण, 2015 में भारत और फ्रांस देश दो जनों ने मिलकर किया था, और वर्तमान में इसमें 121 सदस्य है, और इसकी एक पहला शिखर सम्मेलन होने वाला दोस्तों, और जिसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ये पहला शिखर सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में होगा दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे डिटेल में सुनने से दोस्तों थोड़ा बेनिफिट होगा, आपको इस चीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक, जिनको विश्व कप में, जिम्नास्टिक विश्व कप में अभी हाल ही में कांस्य पदक मिला, तो उनका नाम क्या था दोस्तों, अरुणा रेड्डी। ये पहली कांस्य पदक जीतने वाली जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक विश्व कप में कांस्य पदक जीता, क्या नाम है इनका, अरुणा रेड्डी। और इनका संबंध किस राज्य से दोस्तों, तो ये जो शहर है इनका शहर है हैदराबाद से, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को, और इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत हुई थी 1987 में, 1987 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। देखिए आगे का प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2018 का खिताब किस भारतीय ने जीता, तो उनका नाम था दोस्तों परुपल्ली कश्यप। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, परुपल्ली कश्यप ने। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय है तो थोड़ा इनका ध्यान रखें। वर्ष 2017 में स्टील में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, 2017 में एक देश जो पहले स्थान पर आया उसका नाम क्या है, चीन। चीन स्टील उत्पादन में विश्व का पहला देश बन चुका है, और भारत का स्टील उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। साहित्य भाषा सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये मिला है शेष आनंद मधुकर को। किसको मिला दोस्तों, भारतीय साहित्य भाषा सम्मान पुरस्कार शेष आनंद मधुकर को। अब देखिए दोस्तों, बैंकों में अगर आप लेन देन करते हैं तो ये थोड़ी काम की बात है कि बैंकों में यदि कितनी राशि के लेन देन पर आपको पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों, तो अब आपको 2.5 लाख रुपए की राशि पर पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, नॉलेज की बात है, थोड़ा काम आएगी दोस्तों। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, बहुत ही ये बजट में भी इसकी मतलब चर्चा हुई थी, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, तो किसानों के द्वारा आलू प्याज और टमाटर का जो फसल उत्पादन होता है उसको, उसकी बिक्री के लिए ये जो ऑपरेशन ग्रीन है इसको लगाया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, किसानों से संबंधित है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। अब देखिए दोस्तों, नीलम कपूर चर्चा में क्यों है, इसका रीजन सुने। हमेशा महानिदेशक के पद पर IAS को लिया जाता है, लेकिन पहली बार IIS को लिया गया, तो ये थोड़ा चर्चा का विषय कारण है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है भारत ने, और भारत ये खिताब जीतने वाला, ये चौथी बार जीतने वाला विश्व का पहला देश बना जिसने एक ही खिताब को चार बार जीता है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है दोस्तों, तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, तो उनका नाम है दोस्तों INS करंज। क्या नाम है दोस्तों, INS करंज। इससे पहले थी INS, फर्स्ट थी INS कलवारी और सेकेंड है कंधारी, INS कलवारी और INS कंधारी, और तीसरी अभी वर्तमान में INS करंज, तो थोड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों पनडुब्बी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है दोस्तों। विश्व विज्ञान दिवस अभी मैंने बताया था 28 फरवरी को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का क्या नाम है दोस्तों, जो अभी हाल ही में
स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने लॉन्च किया था। क्या नाम था उस कंपनी का? स्पेस एक्स। और वापस सुन लीजिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, तो इसका नाम है दोस्तों फॉल्कन हैवी। क्या नाम है दोस्तों इसका? सुनना आराम से, फॉल्कन हैवी। अब देखिए दोस्तों, वह देश जिसने समलैंगिक विवाह को खत्म कर दिया, वह देश जिसने हाल ही में समलैंगिक विवाह को खत्म कर दिया, तो वह देश कौन सा है दोस्तों? बरमूडा। बरमूडा एक ऐसा देश है जिसने हाल ही में समलैंगिक विवाह को खत्म कर दिया। आगे देखिए प्रश्न, 200 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है दोस्तों? 200 विकेट लेने वाली, ये विश्व की भी और भारत की भी है, इनका नाम है जुलन गोस्वामी। क्या नाम है दोस्तों इनका? जुलन गोस्वामी। पहला 100% एलईडी वाला रेलवे जोन कौन सा, रेलवे क्षेत्र कौन सा 100% एलईडी युक्त रेलवे जोन है? दक्षिण मध्य रेलवे। वापस सुन लीजिए दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे क्या है? 100% एलईडी युक्त। आगे देखिए, ये बहुत चर्चा का विषय क्वेश्चन है, तो सुनना आराम से दोस्तों। टू व्हीलर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? ऐसे मतलब जगह जहां पर फोर व्हीलर को जाना पॉसिबल नहीं और एम्बुलेंस की जरूरत होगी, तो ऐसा एक राज्य है गोवा जिसने पहली बार भारत में टू व्हीलर एम्बुलेंस की योजना शुरू की है, सेवा शुरू की है। देश का पहला राज्य जिसने अस्मिता योजना प्रारंभ की है, तो देखिए दोस्तों, ये जो देश का पहला राज्य है जिसने अस्मिता योजना प्रारंभ की, वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अस्मिता योजना प्रारंभ की है। आगे देखिए दोस्तों, कार्बन पर टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला देश, कार्बन पर टैक्स, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये टैक्स लगाया जा रहा है ताकि इससे थोड़ा बेनिफिट हो। कार्बन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों सिंगापुर। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स फरवरी माह के, और आगे ऐसे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। रेलवे की मैथ्स का भी वीडियो मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, रेलवे लोको मैथ्स के अंदर आप जाके देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, लाइक ज़रूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाने से जब भी आपको लाइव क्लास होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप्स में, रेलवे के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।